हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स एन एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए आज हम एक नया फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। ये जो फैन फिक्शन है ये ओनली वन शॉट फैन फिक्शन है, यानी कि एक एपिसोड में ही फैन फिक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा ना, मैं इसको वन या मैक्सिमम टू एपिसोड्स में ही यूट्यूब में भी कंप्लीट कर दूँगी। इस फैन फिक्शन को मैंने ही लिखा है, इसको आप वर्डपैड में भी पढ़ सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसका वर्डपैड में नाम है एमिडिस्ट ऑफ वाइल्डरनेस, पर यूट्यूब में मैं इसे इन द वाइल्ड बोल के ही बुलाऊँगी। तो चलिए इस फैन फिक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। ये फैन फिक्शन ना एक किसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पहले स्टार्ट होता है, और वो जो पर्सन है ना बोल रहा होता है, मतलब अपने मन में सोच रहा होता है कि हम जब लाइफ में आते हैं, दुनिया में आते हैं ना, हम किसी न किसी पर्पज़ से आते हैं। हर किसी का भगवान ने बना के भेजा होता है, तो किसी न किसी पर्पज़ से भेजा हुआ होता है। या तो वो छोटा पर्पज़ हो, बड़ा पर्पज़ हो, पर उसके लिए वो उसका सोल पर्पज़ होता है लाइफ में आना। भले ही एक इंसान का मतलब पर्पज़ होगा कि वो लाइफ में एक प्यासे को पानी पिलाएगा, किसी का पर्पज़ होगा एक कुत्ते को खाना खिलाने आएगा, या किसी का बड़ा पर्पज़ होगा पूरे देश बचाने वाला होगा, किसी का मतलब छोटा बड़ा जो भी हो, हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक पर्पज़ लेके आता है। पर जैसे ही हम बड़े होते हैं, हम अपने उस पर्पज़ को भूल जाते हैं, अपने दुखों में, अपने मिजरीज में, डेथ में, जन्म में, खुशियों में, लाइफ के इन्हीं अप्स एंड डाउन्स में ना हम अपने जीवन का पर्पज़ भूल जाते हैं। तो ये जो पर्सन है बोल रहा होता है कि मैं बड़ा हुआ तब से ही मुझे पता था कि मुझे मेरे लाइफ का पर्पज़ क्या है, मुझे क्या एटलीस्ट बनना है। तो बोल रहा होता है कि मेरा सपना होता था कि मैं फिजिशियन बनूँ, डॉक्टर बनूँ। हाँ, इतना बड़ा सपना नहीं था कि मैं वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनूँ, पूरी दुनिया को बचाऊँ, है ना, पर इतना था कि मैं डॉक्टर बनूँ, दुनिया को जितना हो सके मैं हील करूँ, पर सब साथ साथ मैं खुद को भी हील करूँ। खुद को भी एक होता ना, हम दूसरों को हील करते करते भूल जाते हैं कि हमारा दिल भी कहीं ना कहीं वोंडेड हो गया है, कहीं ना कहीं खाली पड़ गया है। एक होता ना, तो मैं खुद को भी हील करना चाहता हूँ साथ में। अब वो पर्सन जो है ना, वो बोल रहा होता है कि कल मेरे बिलव्ड का ब्रेन सर्जरी है। आज जो है वो पर्सन अभी हॉस्पिटल में ही है और बैठे बैठे वो रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर रहे हैं कल के सर्जरी का, और करके ना मतलब सोच भी रहा है कि लाइफ में डेथ है या जीवन है, ये सब चीज़ें मतलब जीवन मृत्यु है क्या, और हमारे लाइफ का मतलब जो है ना, सबका लाइफ का एक वैल्यू होता है। और वो पर्सन बोल रहा होता है कि मेरे लाइफ का भी एक लार्जर वैल्यू है। और फिर वो बोल रहा होते हैं कि डेथ से हम इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं, कभी कभी मतलब दूसरों को डेथ से भी हम इतना घबरा जाते हैं। तो वो सोच रहा होता है कि अगर मेरे लाइफ में मेरे डेथ आया तो मैं क्या करूँगा उस मोमेंट में, क्या मैं डेथ के साथ फाइट करूँगा, खुद को बचाने का आखिरी प्रयास करूँगा, या मैं पीसफुली सरेंडर कर दूँगा अपनी लाइफ में। और मैं मतलब कैसा कैरेक्टर हूँ मुझे खुद भी पता है। हाँ, इतना नहीं है मैं एकदम कोई महान आत्मा हूँ, पर इतना मुझे पता है कि मैं गुड पर्सन हूँ। हाँ, इससे बेटर ज़रूर बन सकता हूँ, पर फिर मैं सोचता हूँ कि फ़र्क ही क्या पड़ता है, बोल के मैं केयर भी नहीं करता हूँ। और ऊपर से मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेइंग वगैरह पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं बड़े होते हुए प्लस मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं रिलीजियस से थोड़ा सा अलग हट चुका हूँ। हाँ, पर मैं ऐसा नहीं है कि मैं स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हूँ, मैं कुछ बिलीव्स को ज़रूर मानता हूँ, पर इतना मुझे पता है कि जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाता हूँ। और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अच्छा इंसान बन के रहना, अच्छे काम करना, यानी कि ऑनेस्ट रहना, हार्ड वर्किंग रहना और फेयर रहना। ऊपर से जब मैं डॉक्टर हूँ तो मैं मेडिसिन सर्जरीज पे बहुत बिलीव करता हूँ, मैं खुद पे बिलीव करता हूँ, अपनी एबिलिटीज़ पे बिलीव करता हूँ। तो इसीलिए वो बोल रहा होता है कि ये जो सर्जरी कल का है मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सर्जरी होने वाला है, क्योंकि मैं उस पर्सन के साथ इमोशनली भी अटैच्ड हूँ, तो शायद एक बार के लिए मेरे हाथ लगा मुझे कि शायद मेरे हाथ कांपें, पर मुझे अपनी एबिलिटीज़ पे इतना भरोसा है कि जब मैं ऑपरेटिंग टेबल पे जाऊँगा तो मैं उस चीज़ को इतना अच्छे से कर पाऊँगा कि शायद मेरे से अच्छे से कोई दूसरा पर्सन उसको कर नहीं पाए, मेरे से ज़्यादा केयरफुली वो चीज़ को कोई कर नहीं पाए। और फिर बोल रहा होता है
कि कल मैं ज़रूर, मतलब खुद को समझा रहा होता है कि तुम घबराओ मत, कल तुम बहुत अच्छा करने वाले हो, अपने एबिलिटीज़ पे बिलीव करो, कल तुम ऑपरेशन बहुत अच्छा करोगे अपने बिलव्ड का और अपने बिलव्ड इबो को बिल्कुल ठीक कर दोगे। और फिर वो पर्सन बोलता है कि हाँ आप ठीक समझे, मैं जाओजान हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और कल जो है ना मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट डे होने वाला है, क्योंकि कल जो है मैं अपने सबसे बिलव्ड पर्सन का ऑपरेशन करने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा फर्स्ट ऑपरेशन है, इससे पहले मैंने बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेशन किए हैं, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी अपने पे जो अपना होता है ना प्रोसीड्योर करने वाला हूँ। उसे ये भी पता है कि भले ही वो घबरा रहा है, फिर भी ये काम उसी को करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ में, इस मोमेंट में इससे बेटर, यानी कि उससे बेटर कोई उस चीज़ को कर नहीं पाएगा, वो इस मोमेंट में, इस ज़रूरत में बेस्ट है। और फिर बोल रहा था कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा अपने बिलव्ड वॉन्ग इबो के लिए, अपने प्यार के लिए, शायद अपने अधूरे या एक तरफा प्यार के लिए, पर प्यार तो है ना। ऊपर से फिर वो बोल रहा होता है कि हाँ प्यार कितना, मतलब ऐसा एक चीज़ है बहुत वियर्ड तरीके से काम करता है, आपके लाइफ में एक स्ट्रेंजर आता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है और आपके लाइफ की, आपके यूनिवर्स का एक फिक्स स्टार बन जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाता है। फिर जाओजन मतलब बताना शुरू करता है कि मेरा स्टार मेरे लाइफ में एक जंगल के बीच में आया था, एमिडिस्ट ऑफ वाइल्डरनेस आया था, और ये जो है ना एक साल पहले लगभग हुआ था। हमारे हॉस्पिटल ने हमें असाइन किया था कि मेडिकल चेकअप के लिए हमको, मतलब यहाँ से चौंकिंग से 54 किलोमीटर दूर एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ जाना है। तो हम लोग वहीं पे मतलब जाने की तैयारी कर रहे थे, और जो जंगल के रास्ते हैं, हिल का जो रास्ता है, मतलब पहाड़ का जो रास्ता है, वो मतलब पहाड़ों को काट काट के नहीं बनाए, चट्टानों को काट काट के स्टेप्स बनाए जाते हैं, वैसे स्टेप्स थे। और ऊपर से वो माउंटेन का ऐसा एरिया है जहाँ पे हमेशा लगभग बारिश होती रहती थी, तो लगभग रास्ता ना कीचड़ से भरा हुआ और स्लिपरी ही रहता था। ऊपर से वो मतलब जाओजन बोल रहा होता है कि हम डॉक्टर्स हैं, प्लस वहाँ मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो हम खाली हाथ भी जा नहीं रहे होते, हमारे पास मेडिसिंस होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, इसलिए ना हम बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली जो है ना मतलब माउंटेन का चढ़ाई शुरू करते हैं, और एकदम अर्ली मॉर्निंग ही है ना माउंटेन का चढ़ाई शुरू कर देते हैं, और मतलब ताकि हम जाके अपना जो स्टिपुलेटेड टाइम है, जो बताया गया है कि इतने बजे से मेडिकल कैंप स्टार्ट होगा, उससे पहले जाके हम पूरा सेटअप वगैरह कर लें, कैंप बना लें और अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सेट कर लें। और फिर वो लोग वैसे ही करते हैं, धीरे धीरे खूब अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं, और मतलब धीरे धीरे वो लोग पहुँच जाते हैं टाइम से पहले, वहाँ जाके अपना सेटअप वगैरह करते हैं, अपना मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है वो सब लगाते हैं, और उसके बाद अपना जो है ना कंसल्टेशन स्टार्ट करते हैं, कंसल्टेशन करते बढ़ते हैं, काफ़ी समय तक कंसल्टेशन करते हैं, है ना। और मतलब ये करते करते जब तक वो कंप्लीट करते हैं टारगेट जो उनका होता है, तब तक ऑलरेडी ना बाहर डार्क हो गया होता है, अंधेरा हो गया होता है। अब क्या करते हैं, जो वो डॉक्टर्स की टीम होती है, जाओजान और प्लस अदर डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल असिस्टेंट, जो भी लोग थे ना स्टाफ, सब मिलके जो अपना पैकअप वगैरह करते हैं, और पैकअप वगैरह करके धीरे धीरे जो होता है ना माउंटेन से उतरने लगते हैं। ऊपर से ना जो माउंटेन्स उतर रहे होते हैं, उनके इक्विपमेंट्स जो होता है ना, चढ़ते समय तो उतना फील नहीं होता, उतरते समय इतना हैवी फील होता है, और ऊपर से सड़क इतनी पतली सी संकरी सड़क होती है ना, कि वो मतलब थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टेंस लेके कवर चढ़ रहे होते हैं, ताकि मतलब होता है ना कोई किसी को चोट ना लग जाए, कोई गिर जाए तो एक की वजह से दूसरे का एक्सीडेंट ना हो जाए, बल्कि सब थोड़ा डिस्टेंस में होता है ना, एक दूसरे से वॉक कर रहे होते हैं। और जैसे ही जाओजन बोल रहा होता है कि जैसे ही हम आधे रास्ते तक उतरते हैं, बहुत ज़ोर से बारिश अचानक से आ जाती है, मतलब पहले तो आसमान क्लीन होता है, पर अचानक से कहाँ मतलब बादलों का पूरा एक क्लस्टर आता है, और बहुत मतलब स्पीड से बारिश होने लगती है, और मतलब क्या करें, हम लोग पास कुछ ऑप्शन होता नहीं है, तो वो कहीं होता ना कुछ टेंट वगैरह बना नहीं पाते, वो पेड़ों के नीचे ही ना खुद को आश्रय दे देते हैं ताकि वो बारिश से बच पाएं। और फिर वो लोग वहीं पे बारिश जब देख रहे होते हैं कम नहीं हो रहा होता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि ग्रुप बना के जाएंगे, ताकि सब सेफ भी रहे, मतलब होता ना कि हाँ मतलब दो तीन लोग ऐसा ग्रुप रहेगा, ताकि एक दूसरे का ध्यान भी रख पाएं, ऐसा नहीं कि एक बंदा पीछे छूट जाए और कोई आगे चला जाए, बल्कि ग्रुप बनाने का डिसाइड करते हैं। तो जाओजन का जो ग्रुप होता है, उसमें दो फीमेल नर्सेस होती हैं और मतलब जाओजन होता है,
और वो लोग एक बड़े से मतलब बनियान ट्री के नीचे शेल्टर लिए होते हैं। और जैसे 1 घंटा लगभग हो जाता है, वैसे ही वो लोग गीले तो हो रहे थे, फिर भी एटलीस्ट है कि थोड़ा बहुत मतलब जंगलों में ना जो पेड़ होते हैं घने घने होते हैं, तो काफ़ी हद तक वो रोक लेते हैं बारिश को। तो 1 घंटे के बाद ना थोड़ा सा बारिश जो है बहुत झूम के बरसता है, 1 घंटे के बाद स्लो हो जाता है। जब 1 घंटे के बाद स्लो होता है, अभी कमा नहीं होता है, तो वो जो नर्सेस को बोलता है, जो लेडीज़ होती है, बोल के बोलता है कि सिर्फ उसी के पास एक अम्ब्रेला है। तो और ये अम्ब्रेला भी ना उसकी मॉम ने, जाहजन की मॉम ने उसके बैकपैक में मतलब ज़बरदस्ती का डाल दिया था कि वहाँ माउंटेन है, वहाँ बारिश होती रहती है, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा। जाहजन ने मना भी किया होता है, फिर भी उसकी मम्मी ज़बरदस्ती का डाल देती है, और थैंकफुली वो काम भी आ जाता है। तो वो सोचता है कि मैं ऐसे अम्ब्रेले में जाऊँगा और 2 लेडीज़ ऐसे भीग के जाएंगी, अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए ना वो अपना अम्ब्रेला निकाल के जो लेडी नर्सेस होती है उनको दे देता है। और फिर मतलब बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, थोड़ा सा बारिश कम होगा और मैं आ जाऊँगा। और जैसे ही थोड़ा सा बारिश कम होता ही है, वो जाहजन है वो धीरे धीरे जब लगता है कि वॉक कर पाएंगे तो वॉक करते करते आ रहे होते हैं। और ऊपर से जाहजन ने अपना लैपटॉप का बैग और मतलब बैकपैक जो होता है वो उन नर्सेस को दे दिया होता है, ताकि मतलब उसका लैपटॉप भीगे नहीं इनकेस अगर बारिश कम नहीं हुई। तो वो तो लड़का है तो वो अपने आप ऐसे ही आ जाएगा थोड़ा बहुत भीग भाग के, बोल के उनको भेज देता है। और मतलब उनको बोल रहा होता है कि तुम लोग आगे आगे चलो। और जब बारिश थोड़ी सी कमती है तो जाहजन भी होता है ना धीरे धीरे मतलब सोचता है कि अब मैं नीचे उतर के जाऊँगा। और फिर उन लोग को बोल दिया होता है कि मतलब माउंटेन के नीचे वो वेट करेंगे, या फिर होटल में जाके होटल में ही वेट करेंगे, मिलेंगे। और जैसे वो लोग चले गए होते हैं, वो और 1 घंटा ना जाहजन वेट करता है, क्योंकि बारिश जो है ना कम रही हो रही है, फिर बारिश बढ़ जा रही है। मतलब होता ना अचानक से बहुत स्पीड से आ जा रहा है, फिर कम हो जा रहा है, मतलब पूरी तरह से ऐसा हो नहीं पा रहा है कि वो माउंटेन के नीचे की चढ़ाई करे, क्योंकि अगर ज़्यादा ही भीग गया तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। तो वो सोचता है कि ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। तो वेट करते करते और 1 घंटा बीत जाता है, तब जाके ना बारिश जो है बूंदा बूंदी होती है, मतलब स्पीड से बारिश करना बरसना बंद हो जाती है। अब इतना सड़क स्लिपरी हो गया होता है कि मतलब चलने के लिए भी उनको आसपास का जंगल और झाड़ियों का मदद लेके चलना पड़ रहा था, और मतलब इसलिए बहुत ध्यान से स्लोली स्लोली ना वो पहाड़ी को उतर ही रहा होता है। जब थोड़ा दूर आगे चलता है ना, तो उसे किसी का ना मतलब थोड़ा सा विम्परिंग, थोड़ा सा दर्द से कराहने का आवाज़ सुनाई दे रहा है, बहुत लो वॉइस में कोई कराह रहा होता है। और मतलब जाहजन जो है ना खुद को मतलब पाता है कि वो खुद ही उस तरफ जा रहा है। वो थोड़ा कदम मतलब कुछ कदम आगे बढ़ाता है साउंड की तरफ, तो देखता है एक पर्सन जो है ना पेड़ के नीचे ऐसे लेटा हुआ है। अब थोड़ा अंधेरा हो गया है तो उसको समझ में भी नहीं आ रहा है क्या है, तो अपने फ़ोन को निकालता है, थोड़ा सा पोंछता है, हल्का फुल्का गीला हुआ होता है, उसको पोंछ के ना उसके टॉर्च लाइट से देखता है तो एक आदमी वहाँ पे पड़ा हुआ है, और वो बारिश में बिल्कुल पूरी तरह से भीगा हुआ है और मतलब कांप रहा है। और मतलब जब देखता है उसके बॉडी को चेक करके देखता है कि ऐसा क्यों पड़ा हुआ है, तो उसको दिखता है कि उसके एंकल में चोट लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। और मतलब मुझे उसको लग रहा है, जाहजन को लग रहा है कि किसी तरह उस पर्सन ने खुद के एंकल को मोड़ दिया था, जिसकी वजह से आइदर ट्विस्ट हो गया है या फिर टूट फट गया है, अभी तो पता नहीं चल रहा है। उसके बाद जाहजन जो है ना उसको चेकअप करता है अच्छे से, तो देख रहा होता है कि वो आदमी ना सांस तो ले रहा है पर बहुत ज़्यादा ही मतलब स्लो सांस ले रहा है, और मतलब इतना कांप रहा है, इतना कन्फ्यूज्ड है, और पूरा मतलब होता है ना नींद मतलब समझ रहे हो बेहोशी ऐसे हालत में है। और जाहजन समझ जाता है एज अ डॉक्टर कि इसको हम वेट करेंगे मेडिकल असिस्टेंट आने तक का, तब तक तो ये मर जाएगा, इसको अभी थोड़ा बहुत होता है ना फर्स्ट एड देना पड़ेगा, बोल के ना वो तुरंत मतलब फर्स्ट एड देने से पहले एक बार कोशिश करता है कि मैं फ़ोन करके अपने कॉलिग्स को बोल दूँ कि कोई आ जाए इसके हेल्प के लिए। पर वो बहुत बार कोशिश करता है, इधर आसपास घूम के भी देखता है, फिर भी नेटवर्क ना उसको फ़ोन में बिल्कुल ही नहीं आ रहा होता, एकदम टोटली गायब होता है। उसके बाद जाके वो उस पर्सन का बैकपैक जो पास में पड़ा हुआ होता है उसको निकाल के उसको भी ढूंढता है, तो देखता है कि उसके पर्सन का जो बैग है ना उसमें भी उसका फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया है। और फिर उसके बैकपैक को देख रहा होता है जब, तब उसे पता चलता है कि उसके बैग में जो है मतलब होता ना ऐसी चीज़ें हैं जो माउंटेनियर जो लड़के होते ना पहाड़ चढ़ने के लिए आते हैं, ट्रैकिंग के लिए आते हैं, उन्हीं में से कोई ग्रुप में होगा, और शायद किसी वजह से वो अपने ग्रुप से सेपरेट हो गया होगा। तो इसलिए सोचता है कि शायद इसके ग्रुप वाले इसको ढूंढ ही रहे होंगे, तब तक मैं इसको थोड़ा सा सेफ प्लेस में ले जाता हूँ, थोड़ा वर्म देता हूँ उसको ताकि थोड़ा बेटर फील करे।
क्योंकि वो ऐसा भी तो कुछ नहीं है कि उसको फर्स्ट एड में कर भी क्या सकता, थोड़ा वर्म थी दे सकता है उसको अभी इस मोमेंट में, इसलिए बोलता है कि इसको यहाँ पे पानी में जहाँ भीग के गिरा पड़ा हुआ है यहाँ से थोड़ा सूखी जगह ले चलता हूँ, बोल के आसपास ढूंढता है तो छोटा सा केव जैसा जगह मिलता है, छोटी सी मतलब होता है ना कोई जानवर वगैरह का गुफा होगा, पर देखता है अंदर जाके तो कोई होता नहीं है, जानवर वगैरह खाली होता है बिल्कुल और क्लीन होता है, देख के लग रहा होता है कि काफ़ी समय से कोई जानवर इसमें रह भी नहीं रहा है। तो इसीलिए वो क्या करता है, उस आता है वापस आके उस पर्सन को उठाने की कोशिश करता है कि उसको उठा के लेके जा पाए, पर पर्सन उस हालत में भी नहीं होता कि उठ पाए ना ही चल पाए, तो उसको कोशिश करता है कि प्रिंसेस कैरी कर ले अपने हाथ में उठा ले, पर वो पर्सन थोड़ा सा हैवी होता है तो उसको उसमें भी उठा नहीं पाता है, तो इसलिए क्या करता है उस पर्सन को हल्का सा उठा के पिगी बैक करता है यानी पीठ में उठाता है, और पीठ में उठा के उसके बैकपैक को भी साथ में लेता है और किसी तरह धीरे धीरे करके अपने मोबाइल के सहारे से रोशनी दिखा दिखा के उस केव तक जाता है और जाके उस पर्सन को अंदर लिटाता है, और लिटा के वो फिर से मोबाइल में नेटवर्क ढूंढने लगता है क्योंकि होता ना जितना जल्दी हो सके किसी को बता दे, वरना वो जावजान तो उसको एज ए डॉक्टर उसको छोड़ के भी नहीं जा पाएगा और यहाँ पे रह के भी वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा कि इस पर्सन को मतलब होता ना बचा पाए, पर थंडर स्टॉर्म की वजह से नेटवर्क इतना ख़राब होता है कि मतलब नेटवर्क आ ही नहीं रहा होता, केव जो थोड़ा ऊंचे में है वहाँ पे भी नहीं आ रहा होता है। और अब ज़्यादा नोटिस करता है ना कि वो जो बंदा थोड़ा सा हल्का हल्का करा रहा था ना वो भी धीरे धीरे बंद हो रहा है, और मतलब ज़्यादा समझ जाता है कि इसको वार्म्थ की अभी ज़रूरत है, इसको अभी थोड़ा बॉडी को वार्म्थ गर्म करना पड़ेगा वरना ये जो है ना हाइपोथर्मिया से शायद मर भी सकता है। और ऊपर से ज़्यादा खुद की बॉडी में भी सर्च करता है, उसका डॉक्टर का कोट होता है, उसके अलावा उसकी बॉडी में भी कुछ होता नहीं है, तो वो अपने कोट से ही जितना वो हो सके उस पर्सन को ढकता है ना, और फिर अपने उसके आदमी के भी बैकपैक को सर्च करता है तो वहाँ पे एक लाइटर उसको मिल जाता है, तो वो केव के अंदर कई जो थोड़े बहुत लकड़ियाँ या फिर पत्ते वगैरह सूखे पड़े हुए होते हैं ना उनको जमा करता है अपने हाथों से ही और जमा करके उसको जलाता है उसके लाइटर से, और थैंकफुली उसका लाइटर ना गीला होने के बावजूद भी ख़राब नहीं हुआ होता है, वो जल जाता है, तो लकड़ी थोड़ा जलने लगता है थोड़ा आग हो जाती है, तो वो जाता है और उस पर्सन को ना एकदम आग के पास खींच के ले आके लिटा देता है और उसके सारे गीले कपड़े ना उसके बॉडी से धीरे धीरे खोल देता है और खोल के उससे जो होता है ना कोट उड़ा देता है, उड़ाने के बाद भी देख रहा होता है कि भले ही उसके आग की गर्मी मिल रही है फिर भी जो है ना उसका बॉडी जो है गर्म नहीं हो पा रहा है, और मतलब उसका हाइपोथर्मिया की वजह से उसको लग रहा है कि उसका लंग्स में भी प्रेशर पड़ रहा है, उसका ब्रीदिंग इतना कम हो गया है कि वो सांस लग रहा है ना ले रहा है बेयरली महसूस हो रहा है, तो वो उसके हाथ पैरों को रगड़ता है ना उसके बॉडी को पूरा गर्म करने की कोशिश करता है, पर कितना भी कोशिश कर ले ना वो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, और मतलब वो ज़्यादा सोच रहा था कि मैं डॉक्टर हूँ पर मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ उस पेशेंट के लिए, ऊपर से वो उस पर्सन को भी उल्टा करता है उसके हाथ पीठ पैर सब जगह जहाँ जहाँ उसको प्रेशर पॉइंट्स होता है सब जगह उसको रगड़ने की कोशिश करता है ताकि थोड़ा ब्लड फ्लो हो थोड़ा वार्म्थ आए, पर कुछ हेल्प नहीं कर रहा होता है। अब ज़ावजान भी खुद पैनिक करने लगता है, मतलब इतना हेल्पलेस हो गया होता है ना खुद भी घबरा रहा होता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि एज ए डॉक्टर वो किसी को मरते हुए तो देख नहीं सकता, ऊपर से इतने हेल्पलेस सिचुएशन में है कि वो कहीं पर भी जाके किसी से हेल्प नहीं मांग सकता, वो लोग बीच में ऐसी जगह फंसे हुए हैं। तभी ना उसके दिमाग में एक आइडिया आता है ज़ावजन के कि क्यों ना मैं उसे अपनी बॉडी से हीट दूँ, ऊपर से फिर ज़ावजन बोल रहा होता है कि मुझे पता है एज ए डॉक्टर ये बिल्कुल एथिकल डिसीजन नहीं है, मतलब डॉक्टर्स के एथिक्स में ऐसा कोई मतलब फर्स्ट एड आता ही नहीं है, ये तो मतलब स्टुपिडिटी उसका थिंकिंग है, पर एज ए ह्यूमन बींग ज़ावजन सोच रहा होता है कि मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए एक पर्सन का लाइफ बचाना, बोल के ना खुद के कपड़े रिमूव करता है और मतलब उस पर्सन को अपने गोद में एम्ब्रेस में लेके और एकदम क्लोजली आग के साथ चिपका देता है, और चिपका के ना उसको अपने हाथ से हल्के हल्के उसके पीठ को हाथों को ऐसे शोल्डर्स को रब करने लगता है ताकि जो होते हैं ब्लड फ्लो होने लगे, और उस पर्सन को भी वार्म्थ का एक सोर्स मिलता है ना, जो उसका बच्चा कुचा कॉन्शियसनेस होता है वो अपने बॉडी को भी ना उस वार्म्थ के एकदम चिपकाने लगता है, और मतलब ज़ावजन नोटिस करता है कि मतलब उसकी बॉडी की हीट और मतलब वार्म फायर प्लेस का जो वार्म्थ होता है दोनों की वजह से ना धीरे धीरे अब जो है ना उस पर्सन के चेहरे में हल्का सा जो मतलब ब्लड होता है ना खून जो है दिखने लगा है, जो उसका वाइट कलर का पेल फेस था पानी में भीगा हुआ थोड़ा सा गर्म होने लगा है,
और वो पर्सन को अच्छा फील हो रहा है ना क्या, वो अपने फेस को ना जाओजान के चेस्ट में हल्का हल्का ऐसे रब करने लगता है, होता ना वार्म्थ के लिए हम करते हैं वैसा करने लगता है, इससे उसका बॉडी ना जेन्युइनली मतलब वार्म अप होने लगता है। और जो वोन फायर जलाया था वो तो काफ़ी मतलब फुल फ्लेम में जल रहा था, तो उससे वो जगह में ना काफ़ी रोशनी अच्छे से रोशनी हो गई थी। अब जो जाओजान है ना उस पर्सन का चेहरा देखता है ध्यान से और उसकी बॉडी को भी देखता है, तो देखता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन है, उसके सॉफ्ट कलर के एकदम फ्लफी फ्लफी चीक्स हैं, एकदम वाइट कलर का पर्सन है, पिंक एकदम लिप्स हैं और मतलब बहुत अच्छी डिफाइंड बॉडी भी है जो उसको दिख रही होती है अब रोशनी में। और मतलब उसको काफ़ी समय तक जाओजान देख रहा होता है और पता नहीं कब जाओजान को भी पता नहीं चलता ना उसके सॉफ्ट चीक्स को वो टच कर रहा है अपने फिंगर्स से, अपने कोल्ड फिंगर्स से वो जो पर्सन है उसके सॉफ्ट चीक्स को भी टच कर रहा होता है। और फिर मतलब क्या जो होता है जाओजान भी सोच रहा होता है उस मोमेंट को, सोच के बोल रहा था पता नहीं मेरे दिमाग में भी क्या आया कि मैं धीरे धीरे उस पर्सन के नेक को, फिर उसके चेस्ट को, फिर उसके एब्डोमेन को, हर चीज़ को टच करने लगा। और टच करके ना वो फील कर पा रहा था कि जो पर्सन है उसका चेस्ट और जो एब्डोमेन मसल्स है ना बिल्कुल सिक्स पैक है और मतलब पेट वगैरह बिल्कुल वेल डिफाइंड है। और फिर मतलब जाओजान देखता है कि अब वो सब उस पर्सन को निहारते निहारते ना उसके नीचे के प्यूबिक रीजन को भी देख रहा है, उसके नीचे के डिक को देख रहा है। और फिर जाओजान बोल रहा होता है कि मैं परवर्ट बिल्कुल नहीं हूँ, पर एज ए गे पर्सन अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि एज ए गे पर्सन ना मैं इस हैंडसम फेस को देख के थोड़ा सा अट्रैक्ट ज़रूर हो गया हूँ। परवर्ट नहीं हूँ कि किसी बंदे का, किसी पेशेंट का ऐसे मैं फ़ायदा उठाऊँ, पर गे पर्सन हूँ तो एक बंदे को, एक दूसरे मैन को, एक स्पेशली इतने हैंडसम और ब्यूटीफुल मैन को अपने गोद में मतलब नेकेड देख के मुझे कुछ ना कुछ तो फील ज़रूर होगा ही, ऊपर से वो बंदा भी मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा होता है, वो वार्म्थ के लिए मेरे बॉडी में इतना रफ कर रहा होता है ना, रब कर रहा होता है और उसकी रबिंग की वजह से वो शिवर करना भी बंद कर चुका होता है। अब जाओजान का बॉडी भी ना उसकी रबिंग से गर्म हो गया होता है। फिर वो देखता है जो खुद को मतलब उसको ऐसे देख रहा है तो वो खुद से सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि उस पर्सन को दूर हटाता है, मतलब हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर उसने दूर नहीं हटाया तो शायद मतलब खुद का कंट्रोल खो दे और ऐसा कुछ कर दे तो दोनों के लिए ही बिल्कुल सही ना हो। इसलिए ना उस पर्सन को अपने आप से हटाता है, पर वो पर्सन जो है ना देखता है जब वार्म्थ का सोर्स उसको छोड़ के जा रहा ना, वो ऑक्टोपस के जैसे दोनों हाथों और पैरों से ना मतलब उसको बिल्कुल दोनों तरफ जकड़ लेता है और मतलब वो मतलब इतना टाइटली जकड़ा हुआ होता है ना और ऐसे पोजिशन में जकड़ा हुआ होता है ना कि दोनों का लोअर बॉडी जो एक दूसरे को टच कर रहा होता है और मतलब जो वो टच करके रगड़ रहा है उससे अभी जो हो गया ऐसा मोमेंट हो गया ना कि दोनों का बॉडी बिल्कुल फुल्ली इरेक्टाइल हो गया है। जाओजान जो है उस पर्सन को बुलाने की कोशिश करता है कि हेलो हेलो उठो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, पर वो पर्सन जो है ना थोड़ा सा अभी क्लियर माइंड में नहीं है, मतलब कुछ भी बोल रहे ना वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो क्या करता है जाओजान जो है ना मतलब हेल्पलेसली ना लेट जाता है, बोलते ठीक है यार रगड़ लो क्या करना है, गर्म कर रहा है तो करने दो, उसको भी पता है कि वो पर्सन वैसा कुछ फ़ायदा नहीं उठा रहा है, बोल के उसको सरेंडर करके ऐसे ही वो लेट जाता है कि चलो ये पर्सन को वार्म चाहिए तो वार्म ही ले लेते, थोड़ा सा एंड्योर कर लेगा वो। पर्सन भी जो है ना जाओजान के ऊपर ही लेटा हुआ होता है, उसको एम्ब्रेस किया होता है दोनों हाथों टाइटली और थोड़े समय बाद ऐसे ही रहता है। तो मतलब जाओजान सोच रहा होता है ठीक है अब सो जाता हूँ हल्का हल्का, ये भी मुझे लग रहा है कि अब काम वाप नहीं रहा है तो रिलैक्स फील कर रहा है, सो जाते हैं अब तो कुछ कर नहीं सकते, रात को सुबह जो होगा सुबह ही देखा जाएगा, सुबह ही इसको लेके जाएगा, बोल के जाओजान अपनी आंखें बंद कर लेता है। और लग रहा होता है कि अब सो ही जाएगा ना, तभी उसको फील होता है कि उसके नेक में और ईयर्स में होता है ना कोई सक कर रहा है हल्का सा लिप्स से, मतलब यानी कि वो पर्सन जो है जो उसके ऊपर लेटा हुआ है वो अपने लिप्स से उस पर्सन के नेक में यानी जाओजान के नेक में ईयर्स में लीक कर रहा है टंग से। अब जाओजान बिल्कुल पूरी तरह से जाग जाता है, वो उसको उठाने की कोशिश करते हैं कि उठो उठो, और वो पर्सन पता नहीं कुछ तो बोलता है जब जाओजान समझ नहीं पाता है। उसके बाद ना वो जाओजान के ईयर लॉब्स को जो होता है ना कान के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ईयर लॉब्स को, उसको मतलब प्रॉपरली टंग निकाल के अच्छे से लीक करने लगता है। अब जाओजान का बॉडी ना बिल्कुल डिज़ायर से भर गया होता है, क्योंकि ये जो उसके बॉडी का ना सबसे सेंसिटिव पार्ट है वो मतलब जाओजान जो है ना उसका फेस को अपने दोनों हाथों से
हटाता है, हटा कर उसको बुलाने का कोशिश करता है। वो पर्सन कुछ हालत में नहीं होता, वो मतलब उसको छुड़ा के फिर से दोबारा होता है ना, उसको किस से टच करने की कोशिश कर रहा होता है। अब जाओजान भी है ना सरेंडर कर देता है और उस पर्सन के फेस को अपने हाथों से टच करके वो दोनों के लिप्स को जोड़ लेता है। और मतलब जाओजान महसूस करता है कि उसका लिप्स जो है बिल्कुल उतना ही सॉफ्ट और फुल है जितना वो दिख रहा था। उसके बाद ना जाओजान भी उस पर्सन को सक करने लगता है, लीक करने लगता है। और मतलब उनका किस जो है ना अभी जो है ना मतलब उसकी तरफ से भी रिस्पॉन्ड होने लगता है, यानी कि सामने वाला पर्सन भी इसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है और दोनों मतलब एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं हंग्रीली। जब धीरे धीरे होता है ना कि इतना हीटेड मोमेंट हो जाता है कि दोनों हंग्रीली एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और किस तो क्या मतलब इतना बोल सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, मतलब एकदम होता ना वाइल्डली कर रहे हैं। हाँ मतलब जाओजान पाता है कि वो मतलब उसकी बाहों में ऐसे मेल्ट हो जा रहा है। अब जाओजान जो होता है मतलब खुद को उस आदमी को अब फ्लिप कर देता है, फ्लिप करके उल्टा देता है और मतलब उसको अपने नीचे आके उसके ऊपर चढ़ जाता है। अब जाओजान की बॉडी में ना इतना डिजायर से भर गया था कि उसका रैशनलिटी जो होता है ना सोचने समझने की क्षमता जो बोलते ना वो ख़त्म हो गई होती है। वो क्या करता है उस पर्सन के नेक को, एडम्स एप्पल को और मतलब पूरे जो कान को हर जगह को ना अच्छे से सक कर रहा होता है, मतलब बिल्कुल टंग निकाल के लिप से सक कर रहा होता है। उससे वो पर्सन इतना ज़ोर ज़ोर से मून कर रहा होता है ना कि मतलब जाओजान से रहा नहीं जाता है। वो मतलब टंग को मतलब उसके एडम्स एप्पल को लीक करना छोड़ के उसके माउथ में वापस आता है और फिर वापस अपने लिप्स को जोड़ के ना किस करने लगता है। मतलब इतना फोर्सफुली वो किस कर रहे होते हैं, सक कर रहे होते हैं ना कि लग रहा है कि दोनों एक दूसरे की बॉडी से वार्म जो है ना गर्म सांसें उसको चुराना चाहते हैं। अब स्लोली जो है ना मतलब जाओजान जो है अब धीरे धीरे उस पर्सन को किस करते हुए उसके नेक में, चेस्ट में धीरे धीरे नीचे आने लगता है। और जैसे ही वो नीचे आके उस पर्सन के माउथ में किस करता है, उसे सक करके लीक करने लगता है, वो पर्सन जो है ना बिल्कुल ऐसा मतलब उसके सर को पकड़ किया उसको एंजॉय करते हुए ना मून कर रहा होता है। और जाओजान का फिंगर्स जो है वो भी मतलब अपना दूसरे हाथों से, एक हाथों से वो जाओजान के निप्पल्स को सक कर रहा होता है और दूसरे हाथों से ना उसको मतलब होता है ना पिंच कर रहा होता है, नीट कर रहा होता है उसके पूरे चेस्ट को ही। और जो उसके पिंक और टेंडर जो सॉफ्ट निप्पल्स थे ना उस पर्सन के, अब वो बिल्कुल ब्राइट रेड हो गए थे और मतलब पूरा फूल गए थे। और इतना रफली जाओजान उसको सक कर रहा होता ना कि वो मतलब उसको जाओजान बोल रहा होता है कि वुमेंस का जो निप्पल्स होता है ना वैसा फूल गया था वो। और मतलब ये देख के जाओजान उसको काफ़ी समय तक निहारता है अपने मास्टरपीस को, यानी जो उसने वर्क किया है उसको देख कर ना काफ़ी खुश हो रहा था। वो उसको फिर से दोबारा लीक करता है थोड़ा सा, कुछ समय उसको लीक करता है, किस करता है। उसके बाद ना फिर से अब नीचे आता है आके उस पर्सन के मसल्स को, सिक्स पैक्स को जिसको वो कब से एडमायर कर रहा था उनको टच करने लगता है, उनके ऊपर भी ना हल्के हल्के बटरफ्लाई पीसेस करने लगता है। और वहीं उसका दूसरा जो हाथ है ना उस पर्सन के डिक को हाथ से अप डाउन करके रब कर रहा होता है, उसके डिक के ऊपर नीचे कर रहा होता है अपने फिंगर से। और नीचे आके इसके एब्डोमिनल मसल्स को किस करते करते वो जो होता है ना उस पर्सन के बैली बटन को भी मतलब होता है ना लीक कर रहा होता है, किस कर रहा होता है। और धीरे धीरे जो होता है ना उसका जो फिंगर है वो जाके उस पर्सन के जो होल होता है ना उसको भी हल्का हल्का टच करने लगता है, अपने थूक से लिब्रिकेट करके उसको भी हल्का हल्का टच कर रहा होता है। और वो पता ना कि वो मतलब अच्छे से अंदर भी जा रहा है उसका मिडिल फिंगर है। और वो ना फिर धीरे धीरे मतलब जेंटली उसको पुश करता है उस वॉर्म होल में, और मतलब साथ में उसके डिक को भी अब वो अपने हाथों से छोड़ के उसके माउथ से सक करने लगता है, लीक करने लगता है। और जितना सक और लीक कर रहा था ना उतना ही उस पर्सन का जो डिक है, मैनहुड है, वो मतलब और बड़ा हो रहा था। और मतलब जाओजान देखता है कि वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल साइज़ का था। ऊपर से क्या होता है उसका बैक साइड जो है ना वो भी काफ़ी सेंसिटिवली मतलब होता है ना रिएक्ट कर रहा था, उसका फिंगर जो है ना आराम से अंदर चला जाता है
और मतलब धीरे धीरे ना वो दूसरा फिंगर भी ऐड करता है, वो भी अब धीरे धीरे थोड़े समय बाद ही वो भी आराम से अंदर चला जाता है, और मतलब फील करता है कि उसका जो होल है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया है। और मतलब ये जाउजन फील कर पाता है कि ये इस पर्सन का एटलीस्ट फर्स्ट टाइम तो नहीं है, इसीलिए मतलब काफ़ी मतलब इजीली इतना वो हो गया, वरना उतना बिना लिब्रिकेंट के बिना हेल्प के वो ऐसा नहीं हो पाता। तो इससे ज़्यादा थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता है कि एटलीस्ट ये जो पर्सन है ये कोई स्ट्रेट पर्सन नहीं है, वरना मतलब होता ना जाउजन शायद खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता इस चीज़ के लिए। और मतलब ठीक है कि चलो दो पर्सन भी है बोल के मतलब जाउजन अपने आप को उस समय समझा रहा होता है, एथिकली उस जाउजन को भी पता है कि जो सोच रहा है रॉन्ग है, पर एज ए पर्सन उस मोमेंट के लिए उसको वो सही लग रहा होता है। अब जो है ना जाउजन उसके डिक को बिल्कुल डीपली मतलब उतना मतलब सक कर रहा होता है उस पर्सन के, और मतलब वो पर्सन भी जो है ना बिल्कुल उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, और उसके हाथ अपने हाथों से उठा के उस पर्सन जो है ना उसने जाउजन के हेड को टाइटली पकड़ लिया था। और मतलब कुछ ही समय बाद जो है ना वो पर्सन जाउजन के माउथ में ही कम कर देता है, और जाउजन जो है उस पर्सन का ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाता है, तो अपने माउथ को हटाता है तो देख रहा होता है कि उसके माउथ से जो वाइट लिक्विड है ना अभी भी निकल ही रहा है, वो ट्रांसपेरेंट करता जो वाइट लिक्विड है वो निकल के पूरा मतलब जाउजन जब हट जाता है तो उसके बॉडी में खुद के बॉडी में ही उसके एब्डोमेंस में और उसके मतलब आसपास के एरिया में बिल्कुल चारों तरफ गीला कर देता है। और उसके बाद जाउजन लास्ट टाइम उसको और एक दो बार स्ट्रोक करता है और वो बिल्कुल कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली ऑर्गेज्म हो जाता है, आना बंद हो जाता है। और जाउजन उस आदमी के फेस में देखता है तो देखता है उस आदमी का फेस ना बिल्कुल काम डाउन है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है। और जाउजन जो होता है ना अपने मतलब जो डिक को अपने मैनेट को भी निकाल के पैंट से निकाल के और उसमें भी जो है ना उस पर्सन का ही सीमेंट से पूरा उसको लिब्रिकेट कर देता है, और लिब्रिकेट करके ना वो मतलब उस पर्सन को कमर को उठा के एक थ्रस्ट में ना उसके अंदर डालता है। और जैसे ही उसके अंदर डालता है ना वो लाउडली जो है ना पर्सन मतलब आवाज़ करता है और उसका कंधे को ज़ोर से पकड़ लेता है। और जाउजन देखता है कि वो पर्सन उसे अभी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है, मतलब अभी भी थोड़ा सा डेज में है पर वो पर्सन बिल्कुल कॉन्शियस है। अब जाउजन उसको देख के उसकी खुली आंखों के देख के उसकी तरफ जाता है, उसके चेहरे को पकड़ के और मतलब बोल रहा होता है कि उसे क्या बोले, मतलब फिर भी वो बोलता है कहीं मतलब होता है ना कहीं वो उसको रेपिस्ट या कोई परवर्ट ना समझने लगे, इसीलिए ना वो स्टैमर करते हुए बोलता है कि मैंने तुमको यहाँ पे पड़े हुए देखा, मतलब तुम होश में नहीं थे, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ। ये बोल के ना जाउजन ज़ोर से सांस लेता है, खुद को काम करने की कोशिश करता है ताकि वो सही शब्द बोल पाए, और फिर बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने मतलब फर्स्ट एड ट्राई किया, मतलब क्या है कि मैंने फर्स्ट तुम्हारा हाइपोथर्मिया के दूर करने के लिए फर्स्ट एड ट्राई किया पर वो काम नहीं कर रहा था, ऊपर से फ़ोन का नेटवर्क वगैरह भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं तुमको थोड़ा सा बॉडी वर्म देता हूँ, तो मैं मतलब वो बॉडी वर्म देने का कोशिश कर रहा था पर पता नहीं कैसे ये सब हो गया। बोल के ना जाउजन थोड़ा सा चोक कर देता है, अपने बोलते बोलते ना थोड़ा सा चोक करते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी। और जाउजन को पता नहीं होता है कि वो कैसे खुद को एक्सप्लेन करे, कैसे खुद को बताए, और मतलब सोच के ना घबरा के वो अपने आप को उस पर्सन से हटाने का कोशिश करता है, पर वो पर्सन जो है ना वो जाउजन के कंधे को पकड़ लेता है और पकड़ के बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। बोल के ना वो स्माइल करने लगता है पर उसका फेस जो है ना बिल्कुल रेड हो गया होता है, एकदम शर्मा के बोल रहा होता है वो। और मतलब वो भी उसको शर्माते हुए और हंसते हुए देख के ना जाउजन भी थोड़ा सा स्माइल करता है, हंसता है और हंस के बोलता है कि हेलो मैं जाउजन हूँ। और वो पर्सन जो होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब ब्लश कर रहा होता है, मतलब कुछ बोलना नहीं पा रहा होता, बोलता है कि क्या तुम थोड़ा मूव कर सकते हो, मुझे वहाँ पर थोड़ा दर्द हो रहा है, हम जो कर रहे हैं उसको कंप्लीट कर लें फिर हम जो है ना इंट्रोडक्शन करेंगे एक दूसरे का। बोल के मतलब वो थोड़ा शाइली बोलता है इस बात को, और इससे जाउजन जो होता है ना थोड़ा ज़ोर से हंस देता है, हंस के ना उसके लिप्स को फिर से दोबारा उस पर्सन के लिप्स के साथ जोड़ देता है और फिर जो काम कर रहा होता है उसको कंटिन्यू करता है, यानी कि दोनों सेक्स करना शुरू कर देते हैं। और काफ़ी रात तक दोनों मतलब सेक्स वगैरह करते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर एक दूसरे के ना बाहों में बाहों डाल के भी इतना थक गए होते हैं ना कि मतलब बाहों में बाहें डालकर जाउजन की ओवरकोट को पहन के सो जाते हैं।
जब सुबह उठता है जाओजान तो क्या होता है ये हम कल के एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 35 मिनट्स का हो गया है वीडियो। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है ये स्टोरी आपको। ये नेक्स्ट एपिसोड में मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो जाएगा। अगर ख़त्म नहीं होता है, 35 मिनट्स से ज़्यादा बनता है, तो फिर मैं ना इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, और अगर हो पाए तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट पार्ट में ही ये कम्प्लीट हो जाए। तो आप लोग बताना आपको कैसी लग रही है स्टोरी। अच्छी लग रही है तो कमेंट करना, लाइक करना, बिल्कुल लाइक करना। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मेरे जो है ना 60-70% जो है व्यूअर्स वो सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। स्टोरीज़ तो आती रहते हैं, आप लोग भी मिस नहीं करोगे स्टोरीज़ को, है ना। तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्रिप्शन तो फ्री है। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको लॉट्स ऑफ थैंक यू। चलिए इस पार्ट को यहीं पर कम्प्लीट।